प्रियजनों, बात करेंगे आगामी फिल्म शैतान की। शैतान एक भारतीय हिंदी भाषा की अलौकिक हॉरर थ्रिलर फिल्म है, तो चलिए शुरू करते हैं। विकास बहल द्वारा निर्देशित और अजय देवगन फिल्म्स जियो स्टूडियो और पैनोरमा स्टूडियो के तहत निर्मित है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा मई 2023 में की गई थी और शीर्षक की पुष्टि जनवरी 2024 में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी जून 2023 में शुरू हुई और सितंबर 2023 में भारत और लंदन में समाप्त हुई। यह फिल्म 8 मार्च 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज के लिए तैयार है। एक खुशहाल परिवार जो छुट्टियों पर एक एकांत गांव में जाता है, जहां उनकी मुलाकात एक रहस्यमय आदमी से होती है जो उनका शुभचिंतक होने का दावा करता है। हालांकि उसका एक भयावह उद्देश्य है और वह उन्हें परेशान करने के लिए काले जादू का उपयोग करता है। परिवार को जल्द ही एहसास होता है कि वे गंभीर खतरे में हैं और उन्हें बुरी ताकतों के खिलाफ अपने अस्तित्व के लिए लड़ना होगा। यह फिल्म गुजराती हॉरर फिल्म वर्ष 2023 की रीमेक है। अथर्व एक पायलट और पारिवारिक व्यक्ति है जो अपनी पत्नी बीना और अपने दो बच्चों आर्या और अंश के साथ अहमदाबाद, गुजरात में रहता है। एक दिन अथर्व अपने परिवार को, जब वे गांव पहुंचते हैं तो उनकी मुलाकात प्रताप नाम के एक रहस्यमय अजनबी से होती है जो अथर्व और उसके परिवार के बारे में बहुत कुछ जानता है। वह उनकी छुट्टियों के दौरान उनकी मदद करने की पेशकश करता है जिससे अथर्व सहमत हो जाता है। हालांकि प्रताप की मदद की कीमत चुकानी पड़ती है। वह अथर्व और उसके परिवार पर जादू करना शुरू कर देता है और वे जल्द ही खुद को काले जादू की दुनिया में फंसा हुआ पाते हैं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अथर्व को जादू तोड़ने और अपने परिवार को बचाने का रास्ता खोजना होगा। जबकि शैतान शीर्षक की घोषणा जनवरी 2024 में टीजर के माध्यम से की गई थी। फिल्म में ज्योतिका और जानकी बोदीवाला के साथ अजय देवगन और आर माधवन मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग लंदन, मुंबई और मसूरी में की गई थी और फिल्मांकन जून 2023 से सितंबर 2023 तक हुआ था। फिल्म में और आगे क्या क्या होता है ये जानने के लिए फिल्म देखना होगा। क्या आपने गुजराती फिल्म वर्ष देखी है? अगर देखी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका केवल एक सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।